हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका एक और वीडियो में। इसमें यार हम मर्ज टेबल और अपेंड ये इसका देखने जा रहे हैं, ये इंक्वायरीज का यूज। यार मर्ज टेबल क्या करता है ना यार, दो टेबल हो ठीक है, उनमें जो मैचिंग कॉलम होगा, कोई मान ली कॉलम मैच कर रहा है कोई दो टेबल में, तो उनके बेसिस पे उन दोनों को मर्ज कर लेगा, इन दोनों को मिला के एक नया टेबल बनाएगा। ये चीज कॉमन होगी, एक दो तीन चार जो कॉलम है इनमें जो कॉमन होंगे वो ओवरलैप हो जाएंगे, बाकी जो नहीं होंगे वो देखते हैं क्या होता है। अगर कॉमन नहीं हुआ तो जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो ओवरलैप हो जाएंगे। और जो अपेंड होता है ना, उसमें क्या होगा, मान लो यही दो टेबल है, मर्ज में ये हुआ और अपेंड में क्या होगा, यार ये टेबल वन था ये टू था, ये वन टू मिक्स होगा एक तरह से, और इसमें क्या होगा वन के नीचे टेबल टू लग जाएगा, मतलब कॉलम जहां मैच करेंगे उसके बाद वो एक उसके नीचे ज्वाइन हो जाएगा। अपेंड मतलब क्या है, नीचे आगे से जोड़ देना, आगे और एक्स्ट्रा जोड़ देना, तो वही टेबल वन के नीचे ज्वाइन हो जाएगा, नंबर ऑफ कॉलम्स नहीं बढ़ेगा ठीक है। तो इसमें साइड से ज्वाइन होगा मर्ज में, दो टेबल ऐसे करके जोड़ दिए, अपेंड में उसके नीचे ऐसे करके जोड़ दिया ठीक है। तो आप देखते हैं एक्चुअली में कैसे काम करेगा ये। तो मैं अगर देखूं तो ये कॉलम क्या है, ये तो हमने ये रेशियो वगैरह ये सब एक्स्ट्रा कॉलम्स बना रखे हैं, डिफरेंस रेशियो राउंड राउंड अप और शीट वन सॉरी और कलेक्शन में देखे तो मार्केट कैप तक ही है। तो मैं न्यू फोल्डर और जो कलेक्शन मेरा टेबल है ये दोनों इनको मैं मर्ज कर देता हूँ ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर होम में जाकर ऊपर होगा मर्ज क्वेरीज। अब दो तरीके हैं, या तो मैं मर्ज कर दूं इसी टेबल में ठीक है, जो नया टेबल बनेगा दो टेबल मर्ज होके वो इसी पे ओवरराइट हो जाएगा, नहीं तो मैं तीसरा टेबल बनाऊंगा जो इन टेबल दो टेबल का मर्ज हो, क्या पता मुझे इन इन दोनों इंडिविजुअल टेबल्स की बाद में जरूरत हो, तो कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं मर्ज क्वेरीज पे क्लिक कर रहा हूँ ठीक है, नया टेबल नहीं बना रहा, इसी में अगले वाले को मर्ज कर दूंगा। तो अब ऐसा ये कुछ खुल जाता है डायलॉग, जिसमें ऊपर वाला जो फोल्डर हमने सिलेक्ट कर रखा था न्यू फोल्डर टेबल वो खुल रखा है। इसके बाद यहाँ ड्रॉप डाउन में अगर सिलेक्ट करो कौन सा टेबल, अपना कौन सा टेबल है, कलेक्शन टेबल करना है, मैं मर्ज सिलेक्ट किया ठीक है। अब इसमें कॉमन देखो क्या चीज है, तो नेम के बेसिस पे मर्ज करना चाहता हूं मैं, इस ऊपर से भी मैंने नेम सिलेक्ट कर लिया ऐसे करके क्लिक करके, नीचे से भी नेम सिलेक्ट कर लिया, ये दोनों कॉमन है, इसके अलावा बाकी सब मर्ज हो जाएंगे ठीक है। अब ये जॉइन काइंड है, इसको ड्रॉप डाउन को चेक करो, ये छह तरह के काइंड होते हैं ठीक है, छह तरह से ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है ना कि हम सिर्फ फर्स्ट से जो कॉमन है ठीक है, फर्स्ट में अवेलेबल है और सेकेंड में नहीं है, सिर्फ उन्हीं चीजों को ले, मतलब यार देखो इसमें क्या है, इसमें जो पहला का पहला होगा ना, पहला टेबल पूरा का पूरा आएगा जो लेफ्ट आउटर वाला केस है, और दूसरे से वही चीजें आएंगी जो पहले में अवेलेबल है, मतलब बिटकॉइन बिटकॉइन दोनों में है ना, तभी ये सेकेंड टेबल से बिटकॉइन ऊपर जाएगा ठीक है। पहला टेबल एज इट इज पूरा आएगा, मतलब उसका पूरा डेटा आएगा, सेकेंड से वो आएगा जो पहले में भी अवेलेबल कर रहा है। क्या अवेलेबल है, जो नेम कॉलम मैच हो रहा होगा ना उसके हिसाब से आएगा नेम, अगर सर्टेन चीज बिटकॉइन अगर टेबल ए में है, टेबल टू में है अगर बिटकॉइन, तभी टेबल टू का डेटा टेबल वन के साथ आके मर्ज होगा। ये लेफ्ट आउटर रह गया, राइट आउटर क्या हो गया, टेबल वन की जगह टेबल टू पूरा का पूरा आएगा, और टेबल वन से वो डेटा जो टेबल टू में अवेलेबल है, मतलब सेम नाम का डेटा इस केस में, वो डेटा आ जाएगा, मतलब वन पूरा का पूरा और सेकेंड का जो मैच कर रहा है वही। फुल आउटर मतलब यार दोनों ही टेबल पूरे के पूरे आ गए ठीक है। इनर, इनर में क्या होता है ना, दोनों में पूरा कॉमन जो होगा ना वही आएगा, सिर्फ कॉमन एलिमेंट दोनों में जो एग्जिस्ट करता है वो आएगा ठीक है। अब लेफ्ट एंटी मतलब ये हो गया कि यार पहले तो हमने इंक्लूड कर दिया था पूरा लेफ्ट आउटर में, लेफ्ट एंटी मतलब जो कॉमन होगा ना उसको हटा दो, मतलब पहले टेबल में जो कॉमन होगा उसको हटा दो, उसके अलावा जो यूनिक बचा टेबल वन के पास वही आएगा। राइट एंटी क्या होगा, जो टेबल टू के पास यूनिक चीज है वही आएंगी। ऐसे ये सब है, आप खुद ट्राई करके देख लो तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो मैं इनर मतलब मैं वो कर रहा हूँ जो कॉमन है सिर्फ दोनों में वो कर रहा हूँ, तो इसमें देखा कि 2991 चीजें कॉमन है रोज, तो ओके कर देता हूं मैं। यार ये प्रोसेस हो रहा है, मर्ज होकर नया टेबल यही न्यू फोल्डर पे ही बनेगा, फिर उसको मैं रीनेम कर सकता हूँ अपने हिसाब से। ये प्रोसेस थोड़ा सा टाइम ले सकता है,
यार ये देखो ये टेबल तो मर्ज हो गया है, ठीक है। तो इसमें जो सारे दोनों में एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कॉलम थे, जो एक में थे दूसरे में नहीं थे, वो सारे आ गए हैं। ये कलेक्शन टेबल का आ गया इधर राइट में। अब मैं इसको एक्सपेंड कर सकता हूँ, ठीक है। एक्सपेंड करने के बाद एक्सपेंड में क्लिक किया तो बात आती है, अब मैं क्या क्या डेटा लाना चाहता हूँ, मतलब उस टेबल के कौन से कॉलम्स मैं यहाँ पे चाहता हूँ, ठीक है। इसके सारे के सारे आएंगे और उसके यूनिक मतलब जो सिलेक्ट हो गए हैं, मैं करूंगा जो सिलेक्ट वही कॉलम्स आएंगे सेकंड टेबल से। तो यार मेरे को क्या मार्केट कैप वॉल्यूम वगैरह तो नहीं चाहिए, मैं सिर्फ नेम भी सेम है, तो मैं क्या ले लूँ यार, कोई भी कुछ दो चार चीज़ें ले लेता हूँ, ठीक है। सेलेक्ट ऑल नहीं, हाई लो ये सब ले लेते हैं, सेकेंड कॉलम से आए ये सब, ठीक है। अभी एक्सपेंड हो जाएगा और क्या है, इस कॉलम के आगे उस टेबल का नाम एज अ प्रीफिक्स लग जाएगा, कलेक्शन डॉट जो कॉलम का नाम है ऐसे करके आएगा। अभी अब क्या करना है, साथ में साथ साथ करते रहें ताकि आपको पता चले कि क्या हो रहा है, ठीक है। फिर वीडियो देख के मतलब मुश्किल है सीखना ऐसे, जब तक तो खुद नहीं करोगे ना ये चीज तो समझ नहीं आएगा। यार ये देखो हो गया है अपना कलर, अब ये चारों आ चुके हैं, ठीक है। बिटकॉइन बिटकॉइन मर्ज हो के टेबल की वैल्यू सारी आ गई, तो ये एक्स्ट्रा कॉलम्स वगैरह ऐड हो गए मर्ज करने की वजह से दो टेबल को। अब यार क्या करते हैं ना, अपेंड वाली क्वेरी देखते हैं। यार इस टेबल पे आ जाए, इस पर 3 बिटकॉइन का डेटा है, ठीक है। 3 बिटकॉइन्स का 3 कॉलम है बस, और इसमें डोज कॉइन के 3 कॉलम है। अब मैं अपेंड करूंगा उन्हें, ठीक है, इन दोनों को। और इस बार भी वही दो ऑप्शन है, या तो इसी टेबल पे अपेंड कर दो या फिर नया बना, तो इस बार नया बना के देख लेते हैं, ठीक है। तो यार दो या दो से ज्यादा टेबल भी हम कर सकते हैं, तो इसमें क्या करता हूँ, दो ही कर रहा हूँ इस बार, बिटकॉइन, और सेकेंड टेबल चूज करता हूँ मैं डोज कॉइन, ठीक है, और ओके कर देता हूँ। तो यार ये अपेंड होके टेबल बन गया, देखो बिटकॉइन वाले उसमें नीचे आ गया डोज कॉइन। अब बात ये है कि यार यहाँ पे डेट हाई सब कॉलम सेम ही थे, तो अपेंड होके ऐसे आ गया। अब एक चीज और देखो, मान लो कि मैं मार्केट कैप और वॉल्यूम इसका क्या करता हूँ, वो नाम बदल लेता हूँ, ठीक है। यहाँ तो नाम भी सेम था इसलिए कॉलम को आइडेंटिफाई कर दिया, मैं रीनेम करके इसको बोल देता हूँ कैप, और इसको नाम रख देते हैं वॉल, ठीक है। बस नाम चेंज कर दिया, बट अब ये चीज अलग अलग हो गई। अब फिर से मैं करता हूँ अपेंड क्वेरीज, ठीक है, और इस पे डाल देता हूँ, पहला तो अपना ही टेबल है, दूसरा इसके साथ क्या अपेंड करना है मेरे को, डोज कॉइन, ठीक है। इसमें दो को नहीं पूछा क्योंकि तीसरा टेबल नहीं बना रहे ना, इसलिए दो का नहीं पूछ रहा। एक टेबल तो अपना खुद का ही है जिसको हम अपेंड करना है, दूसरा डोज कॉइन हो गया, तो ओके कर दिया मैंने। अब यार देखो इसमें क्या हुआ ना, दो कॉलम एक्स्ट्रा आ गए, क्यों क्यों यार देखो, ये पहले के नेम डेट हाई लो ओपन क्लोज ये दोनों में कॉमन थे, तो उसने उसके नीचे ही अपेंड कर दिया, ठीक है। बट क्या हुआ ना, ये वॉल्यूम कैप यार सिर्फ इसी के पास थे, और वॉल्यूम और मार्केट कैप, वॉल और कैप ये दोनों सिर्फ बिटकॉइन वाले उस टेबल में थे, और डोज कॉइन में वॉल्यूम और मार्केट कैप करके था, दो अलग अलग हो गए, तो इसने इन दोनों को अलग अलग ट्रीट किया। तो ये क्या करना ना इसने, कि वो दो नए कॉलम ऐड कर दिए पहले वाले टेबल के लिए, वो जो नए कॉलम ऐड किए उनका वैल्यू नल डाल दिया, ये ना, क्योंकि पहले वाले जो बिटकॉइन वाले टेबल में तो इनकी वैल्यूज कुछ थी नहीं, ये कॉलम थे ही नहीं, इनके नल हो गया। और सेकंड वाले डोज कॉइन के लिए वॉल और कैप वाले कॉलम्स नहीं थे, तो इनकी वैल्यू नल कर दी, ऐसा कर दिया। अगर कई केसेस में ऐसा हो जाता है कि अगर ऐसे ही मैट्रिक्स टाइप का बन जाए ये, मतलब दो कॉलम चाहिए थे हमें, ये तो चार हो गए, तो क्या करो यार, इसको और इसको, हमें पता है ये चीज सेम रिप्रेजेंट करते हैं, सेम चीज रिप्रेजेंट करते हैं, हाँ नाम थोड़ा अलग अलग है, वॉल्यूम वॉल है, बट सेम रिप्रेजेंट करते हैं। आप दोनों को सिलेक्ट करो और कर दो मर्ज, दोनों को राइट क्लिक करके सिलेक्ट किया, मर्ज कॉलम कर दो आराम से, बस मर्ज हो गया देखो, और ये मर्ज बन गया। और जो अपना ये कैप और मार्केट कैप है इसको भी कर देते हैं मर्ज, इनको मर्ज करके इसका नाम दे दिया कुछ, कैप नाम दे देते हैं इसे भी, तो हो गया काम। तो जो टेबल थे नाम अलग अलग थे इसलिए अलग अलग वो बन गए थे एक्स्ट्रा दो कॉलम्स, तो अब मैं क्या करूँ, मर्ज कर दूंगा, नल वैल्यू होती है ना, तो मर्ज भी आसानी से हो जाती है। तो
तो ये यार बन गया जो हमने ये अपेंड टेबल बनाया था, ऐसा ही कुछ दिखना चाहिए था, तो वैसा ही टेबल बन गया। यार ये थोड़ा अलग हो गया क्योंकि मैंने बेस टेबल के साथ छेड़खानी कर दी, तो इधर भी छेड़खानी आ गई। ठीक है, तो बिटकॉइन और ये बिटकॉइन में से जोड़ दिया ना एक्स्ट्रा, तो अपेंड के नीचे भी 3 बिटकॉइन एक्स्ट्रा आ गए, फिर ऐसा हो गया। ठीक है यार, इस वीडियो में बस इतना ही, आगे के लिए वीडियो में देखते रहिए पेप कोडिंग का यूट्यूब चैनल।